हमारे पास आज तक 116 लोगों को हमने क्वारंटीन किया है जो संदिग्ध लोग थे, और उसमें से 41 को हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं जांच में नेगेटिव पाए जाने पर, और बाकी अभी हमारे पास क्वारंटीन में है। तो सर रामपुर में अब इसके बाद अगर यहाँ ज़्यादा फुल हो जाते हैं मरीज तो उसके बाद कहाँ सुविधा होगी? नहीं, हमारे पास और अल्टरनेटिव फैसिलिटीज़ हैं, जैसे के लिए डालमिया हॉस्पिटल है, वहाँ 60-70 लोगों की रखने की सुविधा है। अभी यहाँ पर भी हमारे पास जगह खाली है वर्तमान में। तो कल जो रात एक मरीज की रिपोर्ट आई है सर, वो क्या इंद्रे गाँव की है? वहाँ वो इंद्रा गाँव थाना बोर्ड में लगता है, उसका एक अजीम नाम का आदमी था जो दिल्ली में हेयर कटिंग सैलून पर काम करता था, अपने गांव आया हुआ था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो उसके परिवार वगैरह को सर क्वारंटीन किया गया? हाँ, उनके परिवार में से अभी तक जो 2 महिलाएं हैं और 3 बच्चों को क्वारंटीन किया जा चुका है, बाकी जो उनके भाई थे और जो पिताजी थे वो अभी गांव से भागे हुए हैं, जिसके पुलिस उनके लिए रिकवर कर रही है।